हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पाठशाला इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री आरएलडी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 4 इन विच वी विल स्टडी अबाउट द वेक्टर एटम मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एंड समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इवन इन द सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम। Bohr atom model fails to calculate the energy of the system and frequencies of radiation emitted by complex atoms. Sommerfeld modification in Bohr atom model gave the theoretical explanation of the fine structure of spectral line, but it could not predict the correct number of fine lines. Bohr and Sommerfeld atomic model could not explain the distribution and arrangement of electrons in atoms. Bohr and Sommerfeld models could not explain the intensity distribution of spectral lines. Bohr and Sommerfeld atomic model could not explain the Zeeman effect and star effect. So these are the drawbacks of the Bohr and Sommerfeld atomic models which I have to discuss in our last lectures. Okay, so yahan tak ka humne hamare लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलग अलग एटॉमिक मॉडल रिफाइन करते करते हम यहाँ तक का पहुँचे हैं, डेल्टन मॉडल, जे जे थॉम्सन मॉडल, देन रुदरफोर्ड मॉडल, देन बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड आफ्टर दैट समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये जो अभी हमने 6 ड्रॉबैक्स यहाँ पे देखे हैं, ये बोर समरफेल्ड एटॉमिक कंबाइंड ड्रॉबैक्स है। और सबसे मेन ड्रॉबैक्स जो है इसमें, जो समरफेल्ड के रिफाइनमेंट के बाद में भी सामने आया, कि बोर्स और समरफेल्ड मॉडल में ने जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा जो है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा जो कि हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का जो रहता है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम से आगे वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका बोर और समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। और एक ड्रॉबैक कि जो एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट या फिर जो स्टार्क इफेक्ट है, इसका एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ पाई गई है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट को भी ये जो समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आई है, जो हमें लेक्चर नंबर 4 में देखना है, वो है वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, तो ये वेक्टर एटम मॉडल जो है, ये वेक्टर एटम मॉडल बताया है कि यूएनबर्ग और गोल्डस्मिथ, ये दो साइंटिस्ट, उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बोर एंड समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, तो यूएनबर्ग एंड गोल्डस्मिथ प्रपोज द न्यू मॉडल नोन एज वेक्टर एटम मॉडल। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ बोर एंड समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, ए स्पेस क्वांटाइजेशन एंड बी स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर और समरफील्ड की बात, ये यूहेनबेक एंड गोल्डस्मिथ दो साइंटिस्ट ने एक न्यू कंसेप्ट लाया, उसको बोलेंगे स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये दोनों को कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है विक्टर एटम मॉडल के अंदर। तो समरफील्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में जो एटॉमिक मॉडल है, यह है वेक्टर एटम मॉडल, जिसके अंदर में हम दो कंसेप्ट देखने वाले हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि ये कंसेप्ट का यूज करके या ये कंसेप्ट को कंसिडर करके जो रुदर्फ और जो हमारे बोर्स और समरफील्ड के ड्रॉबैक्स थे उसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया, ये इस कंसेप्ट से हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ स्टर्नगर्लच एक्सपेरिमेंट ने दिया है। ठीक है, तो इसके बाद का लेक्चर में हम सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ड्रॉबैक है उसको ओवरकम किया है ये कंसेप्ट ने। सो लेट्स सी द वेक्टर एटम मॉडल। ओके, सो वेक्टर एटम मॉडल इज बेस्ड ऑन दिस टू फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट सी द स्पेस क्वांटाइजेशन। ओके, सो गोल्डस्मिथ एंड यूहेनबर्ग इन 1925 स्टडीड द हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कली एलिमेंट। ओके,
फर्स्ट स्पेस क्वांटाइजेशन, अभी स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द बोर समरफिल्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड्स दैट इज साइज एंड शेप ओनली बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट इन अ स्पेस दैट इज इट कैन ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द स्पेस. हेंस the orbital angular momentum which is represented by capital L can take any arbitrary direction in the space. अब इसका मतलब क्या हुआ कि बोर समरफिल्ड एटॉमिक मॉडल को अगर देखे जाए तो उनके हिसाब से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व हो रहा है उसका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है, मतलब क्वांटाइज विथ रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब साइज और शेप, इसके हिसाब से क्वांटाइज है, मतलब इसका ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर में वो रैंडम है, सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड है साइज और शेप के लिए, ठीक है. लेकिन कौन से डायरेक्शन में उसने रिवॉल्व होना है वो उसने इसके बारे में नहीं बताया. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट इन अ स्पेस. मान लीजिए कि जैसे ये थ्री डायमेंशन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, हमने जैसे ये एटम है और एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, तो जेड डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, ठीक है. और ये जो बार दिख रहा है आपको, ये बार है ये पूरे एटॉमिक का रिवॉल्यूशन का एक बार है, ठीक है. अब ये बार कैसे क्रिएट हुआ इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा कि देखिए मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एनी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर लूप इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा. अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो क्लॉकवाइज बोलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलो तो उसके हिसाब से क्या होती है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि कर्व फिंगर जो है वो अगर चार्ज की डायरेक्शन इंडिकेट करता है तो थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो मान लीजिए कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है तो वो क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड ये सेंटर में, तो सेंटर से एरो बाहर निकलेगा, ठीक है. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड वो है आउटवर्ड बोट, मतलब एरो की जो डायरेक्शन रहेगी ये आउटवर्ड रहेगी, ठीक है, और एरो का बैक साइड ये पीछे रहेगा, तो इस डायरेक्शन में वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. ओके, तो ये पूरा एटम को हम इक्विवेलेंट टू कंसिडर करेंगे एक बार के जो कि वो सेंटर में से आ रहा है, और ये एटॉमिक उसको बोलते हैं हम एटॉमिक डायपोल मोमेंट. बार क्रिएट हुआ मतलब बार मैग्नेट क्रिएट हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसको बोलेंगे हम एटॉमिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, ठीक है. एटॉमिक डायपोल मोमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो उसको नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा और पूरे मैग्नेटिक की जो एटॉमिक डायपोल मोमेंट रहेगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल बार से, ठीक है. एक सिंगल बार अगर लेते हैं यहाँ एक एरो लेते हैं हम सिंगल बार, ठीक है, तो वो ऊपर का नॉर्थ नीचे का साउथ, तो उसी एरो को हमने यहाँ कंसिडर किया है. देखिए उसी एरो को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. ओके, मतलब ये एरो इज इक्वेलेंट टू द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ एटम इन ऑर्बिट इन अ एटम, तो सीधे सीधा ये एटॉमिक का ही पार्ट हो गया. ओके, अब ये मैग्नेटिक डायपोल को ये एटॉमिक डायपोल को स्मॉलेस्ट एटॉमिक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं हम तो उसका वो जो डायपोल मोमेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से. ऐसे मैं एक एरो निकलता हूँ, इधर एरो निकलता हूँ, तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये डायपोल मोमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से रिवॉल्व होगा, ठीक है. ओके, अब इस तरीके से रिवॉल्व होगा इसका मतलब क्या है कि कंसिडर कीजिए कि इलेक्ट्रॉन ही उस ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आर क्वांटाइज विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड दैट इज शेप एंड साइज, साइज एंड शेप, मतलब वो कितने साइज और कितने शेप में रिवॉल्व होगा वो उसका डिटेल यहाँ पे बोर समरफिल्ड एटम ने बताया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन की डायरेक्शन है वो उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है. बोर समरफिल्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से कि वो जो डायपोल मोमेंट है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव हो सकता है. देखिए ये मैं डायग्राम में यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये एक ही डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, तीसरा डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे इसके अराउंड
बी के अराउंड रिवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, ये भी डायपोल, दूसरा तीसरा चौथा, ये रैंडमली ओरिएंटेशन है इसका, किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर समर्पित मॉडल। थ्री डायमेंशन में देखा जाए तो इस तरीके से दिखता है, जैसे मैं एक ये इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एरो ये है, ये इसके अराउंड ऐसे इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, उसी तरीके से ये जो डायपोल है ये इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ये इसके अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, ये ऐसा रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। थ्री डायमेंशन में देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर समर्पित मॉडल और क्लासिकली एल कैन ओरिएंटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, उसकी जो ओरिएंटेशन की डायरेक्शन है वो ऑल रैंडम रहेगी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो ओरिएंटेशन होगा, ऐसा ही बोर समरफील्ड एटम का एटमिक मॉडल का मानना था, ठीक है। लेकिन द वेक्टर एटम मॉडल एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन टू द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ स्पेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन अराउंड ऑर्बिट ये क्वांटाइज्ड है, मतलब कोई भी पॉसिबल यहाँ डायरेक्शन में जो यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये सब रैंडम ओरिएंटेशन है। इसका साइज और शेप तो फिक्स है, लेकिन साइज और शेप पे कोई बोला नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के बारे में यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है, साइज और शेप फिक्स है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैन ओरिएंट ओनली इन अ सर्टन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये जो ओरिएंटेशन है एक सर्टन डायरेक्शन में रहेगा, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में वो मूव नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैन ओरिएंट ओनली इन अ सर्टन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड डायरेक्शन, हेंस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल कैन टेक ओनली अ सर्टन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन, दिस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन, मतलब स्पेस के अंदर में भी क्वांटाइज रहना इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे फील्ड डायरेक्शन का एरो रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है एक, ठीक है, ये जो फुल्ली फुल लाइन का दिखाई दे रहा है ये भी एक ऑर्बिट है, ये डॉटेड लाइन का ये भी एक ऑर्बिट है, डॉटेड लाइन का ऑर्बिट इसकी जो ओरिएंटेशन की डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये जो ओरिएंटेशन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर बताइए टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ थंब, ठीक है। तो ये होगा उसका डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिवॉल्व होता है, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताया जाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरीके से वो रिवॉल्व होता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट इस तरह इलेक्ट्रॉन इसका ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, उसका ऑर्बिट इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे उसको कर रहे हैं, तो उसके ओरिएंटेशन की डायरेक्शन ये रहेगी। अगर वो इससे थोड़ा तिरछा जाता है ऐसा सॉलिड लाइन से जो बताया, उसके ओरिएंटेशन की डायरेक्शन ये रहेगी। ऐसे कोई तीसरा ऑर्बिट लेते हैं हम इस तरीके से, उसके ओरिएंटेशन की डायरेक्शन कुछ बीच में आएगी, इधर के लेते तो इधर आएगी, इस तरीके से उसका ओरिएंटेशन ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द बोर समरफील्ड थ्योरी, ठीक है। बोर समरफील्ड थ्योरी के अनुसार ये जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है, उसके ओरिएंटेशन यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रह सकते, इधर 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 सभी जगह रह सकते, जैसे पिछले डायग्राम में मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी तरफ उसने ओरिएंटेशन बताया यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन ये एरो मतलब ये इस तरीके से हम इंडिकेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रह सकता, अगर यहाँ पे रहता है तो इसका ऑर्बिट कुछ इधर आएगा, यहाँ पे रहता है तो इसका ऑर्बिट ऐसा बनेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग टू उसके एटमिक डायपोल मोमेंट बनेंगे, और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसके ओरिएंटेशन रह सकते हैं। सो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट विद द रिस्पेक्ट टू द फील्ड डायरेक्शन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द बोर समरफील्ड मॉडल, बट अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एटम मॉडल देयर इज रिस्ट्रिक्शन। According to this concept, electron orbit can oriented only in a certain direction with respect to the field direction. यहाँ पे restriction लग गया है. Hence, the orbital angular momentum vector L can take only certain direction with respect to field direction. और उसी restriction को बोलते हैं quantization. और वो quantization कहाँ आ रहा है? वो space में आ रहा है. Space मतलब जो ये जो electron जो nucleus के around revolve हो रहा है, वो nucleus के around space ही है. इसलिए space के अंदर में restriction आ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे space quantization. और विक्टर एटम मॉडल के अनुसार उसने बताया कि एक पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा, एक फिक्स डायरेक्शन में ही रिवॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आई है m = 2, 1, 0, 1, 2, अभी वैल्यू कहाँ से है उसके कंसेप्ट आगे देखेंगे,
तो इसी वैल्यू के दौरान देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर m इक्वल टू 0 के लिए एक ऑर्बिट बना, फिर m इक्वल टू 1 के लिए दूसरा ऑर्बिट बना और m इक्वल टू 2 के लिए तीसरा ऑर्बिट बना, बस ये तीन ही ऑर्बिट, फिर इससे नीचे -1 -2, ऐसे 1 2 3 4 5 सिर्फ पांच ऑर्बिट यहाँ बने हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर एल के वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू के लिए। एल की वैल्यू जो रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्बिट डिसाइड हो गया और ओरिएंटेशन डिसाइड होगा, है ना। तो इसके पहले बोर समर्पित मॉडल के हिसाब से कोई भी एल की वैल्यू रहती है तो वो एल की वैल्यू पे मल्टीपल ओरिएंटेशन रह सकते थे उसकी, मतलब ओरिएंटेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन बोर लेकिन समर वेक्टर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से वो जो ओरिएंटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट है, क्वांटाइज है और वो फिक्स डायरेक्शन में एक रिवॉल्व होंगे, ऐसा उसका बोलना है। उसी कंसेप्ट को बोलते हैं यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन। ओके, टू स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ स्पेस, इट इज अ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स ओरिएंटेड आर डिटरमाइंड रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जेड। ठीक है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन हम डिटरमाइन करते हैं। द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ स्पेसिफाइड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3D डायग्राम दिखाई दे रही है आपको विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने जैसे बोला था कि पांच ही ऑर्बिट रहेंगे, 1 2 3 4 5 पर्टिकुलर एल की वैल्यू के लिए। सपोज यहाँ पे एल की वैल्यू 2 लिए है, वो कैसी आई है वो हम आगे प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर देखने वाले हैं अगले लेक्चर में उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर 3D डायग्राम में आप देखते हो तो इसका ओरिएंटेशन देखिए आप, ये जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड ये फिक्स है। ये यहाँ पे एक आया है तो दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे आया है, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा और पांचवा, ये अगर फर्स्ट और सेकंड इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर थर्ड सेकंड और थर्ड की इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, यार सेकंड के बाद थर्ड रहेगा, थर्ड और फोर्थ की इसके बीच में भी कोई कुछ भी और ओरिएंटेशन रहेगा और फिर फोर्थ और फिफ्थ के बीच में भी नहीं रहेगा, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, कॉन्टेस्ट है। फर्स्ट के बाद ये यहाँ पर ही आएगा, यहाँ से फिर डायरेक्ट इस पे आएगा, इस पे फोर्थ पे आएगा, फोर्थ से थर्ड पे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है ये जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, तो इस तरीके का इसका ओरिएंटेशन रहता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर में, और ये ओरिएंटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्वांटाइज्ड है इन अ स्पेस, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्पेस क्वांटाइजेशन। मतलब पहला जो कंसेप्ट है वेक्टर एटम मॉडल का वो है स्पेस क्वांटाइजेशन, दूसरा कंसेप्ट है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला कंसेप्ट है जो स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में बताया, स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है अराउंड ऑर्बिट इन अ स्पेस वो क्वांटाइज्ड है, वो रिस्ट्रिक्ट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रिवॉल्व होगा। ओके, बोर समर्पण मॉडल के हिसाब से वो कोई भी डायरेक्शन में रिवॉल्व हो सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एटम मॉडल उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्वांटाइज्ड है। ये हो गया स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में पहला कंसेप्ट, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट में। सो स्टर्न गर्लाच एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एन एक्सेलेंट प्रूफ ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये 3D डायग्राम दिख रही है, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला यहाँ पे लगाया है, मॉड ऑफ एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस, एच क्रॉस इज एच पाई ट्वाइस पाई, एल इज अ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के बारे में अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया अबाउट दिस स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये 3D डायग्राम पर से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 पांच ही ऑर्बिट है, लेकिन इस डायग्राम में आप देख सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरीके के ऑर्बिट रहते थे, ओरिएंटेशन रहते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था इन द केस ऑफ बोर समर्पण मॉडल। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एटम मॉडल देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। ओके, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम में आपने देखी है कि सेंटर में सन रहता है और बाकी सब प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि न्यूक्लियस सेंटर में है और सभी इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। लेकिन बोर समर्पित एटॉमिक मॉडल तक का इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन का पता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसके अराउंड रिवॉल्व होता है, इतनी कंसेप्ट वहां तक का थी। लेकिन अगर एनालॉजी अगर कंसिडर करते हैं कि जिस तरीके से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होती है और साथ ही साथ उसके खुद के एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व होती है, रोटेशन मोशन वहां पे वो परफॉर्म करती है, उसी तरीके से
उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व होंगे, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व होंगे, उसी को बोलते हैं हम स्पिन ऑफ, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो एनालॉजी है, क्लासिकल एनालॉजी की, अगर इलेक्ट्रॉन हमको स्पिन होते दिखाई देना चाहिए जिस तरीके से अर्थ दिखाई देती है, तो वैसे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ एनालॉजी यहाँ पे बताई गई है, लेकिन उस तरीके का क्लासिकल व्यू यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या आएगा, वो आएगा कि स्पिन है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पिन डिसाइड की है स्पिन हाफ अप और स्पिन हाफ डाउन। तो चलिए देखते हैं कि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है, ये कहाँ से जनरेट हुआ है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्कली मेटल स्पेक्ट्रा विद द हेल्प ऑफ हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप शो दैट ईच लाइन ऑफ दिस स्पेक्ट्रा इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल द येलो लाइन ऑफ सोडियम एटम कंसिस्ट ऑफ ए टू लाइन्स D1 एंड D2 विद वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड 5890 एंगस्ट्रॉम यूनिट रिस्पेक्टिवली। द बोर समॉर्फिन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन सच अ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यूएनबेक एंड गोल्डस्मिथ प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि बोर देखिए यहाँ पे जो सोडियम का स्पेक्ट्रा जो है वो एक ऐसे कंसिडर करते थे हम कि सोडियम की एक ही लाइन है, एक ही वेवलेंथ है, लेकिन अगर हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाए तो सोडियम की एक लाइन के बदले दो लाइन दिखाई देती है, उसको बोलेंगे सोडियम लाइन D1 एंड D2। और उसकी वेवलेंथ यहाँ पे निकाली गई है 5896 पहले की D1 की और 5890 दूसरे की। अब बोर समर्पित मॉडल के हिसाब से सिंगल लाइन रहनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या दिखाई दे रही है कि एक सिंगल लाइन ना दिखाई देते हुए दो लाइन दिखाई दे रही है D1 D2। फिर ये क्यों दिखाई दे रही है, इसका एक्सप्लेनेशन बोर समर्पित एटम में नहीं है। इसलिए योहानबेक और गोल्डस्मिथ ने एक स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लाके इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो कैसे किया वो हम आगे देखेंगे, स्टर्नगर्लाच एक्सपेरिमेंट उसका प्रूफ है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अर्थ जैसे उसके अराउंड रिवॉल्व होती है खुद के एक्सिस के अराउंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर किया, लेकिन एनालॉजी उस तरीके से नहीं यूज़ की कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होते दिखना चाहिए, तो इस तरीके की दिखाई देने वाली एनालॉजी नहीं है, ठीक है। सिर्फ उस तरीके कंसेप्ट एनालॉजिकली क्रिएट कंसिडर किया है अर्थ और इलेक्ट्रॉन प्लैनेटरी सिस्टम और एटॉमिक सिस्टम के बारे में। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस सिमिलर टू द स्पिनिंग ऑफ प्लैनेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। तो स्पिन के हिसाब से यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि जो स्पिन हाफ अप रहता है और स्पिन हाफ डाउन रहता है। स्पिन हाफ अप में एस की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, एस से, और स्पिन हाफ प्लस हाफ अप के लिए प्लस हाफ और स्पिन डाउन एस इक्वल्स टू माइनस हाफ लिया है। तो द टू पॉसिबल स्पिन पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे स्पिन हाफ अप स्पिन हाफ डाउन, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो स्पिन हाफ अप स्पिन हाफ डाउन। द स्पिनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम नेवर चेंज एस इक्वल्स टू हाफ, इसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं होती, एक तो प्लस हाफ रहेगी या फिर माइनस हाफ रहेगी। देर इज नो गुड क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड द स्पिनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ये भी क्या रहते हैं क्वांटाइज्ड रहते हैं। क्वांटाइज कैसे, रिस्ट्रिक्टेड दो ही वैल्यू में प्लस हाफ और माइनस हाफ। और उसका फॉर्मूला दिया है स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर का, जो कि हम और अगले लेक्चर में डिटेल देखेंगे, एस इक्वल्स टू एच क्रॉस अंडर रूट एस एस प्लस वन, ओके, वेयर एस इक्वल्स टू एन बाय टू। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का देखे थे हमने एल इक्वल्स टू एच क्रॉस अंडर रूट एल एल प्लस वन, उसी देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम का है एस इक्वल्स टू एच क्रॉस अंडर रूट एस एस प्लस वन, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हो गए, स्पिन स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो वंस अगेन मैं रिव्यू यहाँ पे लूँगा कि वेक्टर एटम मॉडल ने योहानबेक और गोल्डस्मिथ ने वेक्टर एटम मॉडल के अंदर में दो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ये कंसेप्ट के सहारे ये कंसेप्ट के आधार पर हम जो सोमरफेल्ड बोर के जो ड्रॉबैक है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे दूर कर किया है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसका, ठीक है। और ये लेक्चर में सिर्फ मेनली हम फोकस कर रहे हैं स्पेस क्वांटाइजेशन और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के ऊपर में। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है, स्पेस क्वांटाइजेशन है कि स्पेस के अंदर में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रिस्ट्रिक्शन ओरिएंटेशन का रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो रिवॉल्व होगा, रैंडमली उसका ओरिएंटेशन नहीं रहेगा।
ये हो गया स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल कैन टेक ओनली सर्टन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड डायरेक्शन, दिस इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। और स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को बोला यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है अभी तक तो कंसिडर नहीं किया स्पिनिंग के बारे में, लेकिन वेक्टर एटम मॉडल के में इसको कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन भी करता है, ठीक है। तो उसके भी क्वांटाइजेशन रहता है, स्पिन हाफ अप और स्पिन हाफ डाउन, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए वेक्टर एटम मॉडल के, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमको क्वांटम नंबर देखना है, फिर उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वेक्टर एटम मॉडल का वो दिया है स्टर्नगर्लाच एक्सपेरिमेंट में, उसके उसको उसके अगले लेक्चर में देखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एटम मॉडल, ओके, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।